दोस्तों, जब से मोदी गवर्नमेंट की तीसरी पारी स्टार्ट हुई है, तब से आप देखेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। मतलब हर दिन इंश्योरेंस से जुड़ी खबरें अखबार में छप रही है, हर दिन इंश्योरेंस से जुड़ी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को हमको मिल रहे हैं, खबरें सुनने को मिल रही हैं और अमेंडमेंट आ रहे हैं बहुत सारे। मतलब अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो आज के में दिनों में नहीं, घंटों में बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव आपको कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में देखने को मिल जाते हैं कि आज ये चेंज हो गया, आज ये चेंज हो, कल से ये लागू होगा, परसों से ये लागू होगा। मतलब काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। और अगर आज के बदलाव की बात करें, जिस बदलाव के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बदलाव कहीं ना कहीं पर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, बहुत बड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर फेरबदल होने वाला है। और ये फेरबदल का जो ताल्लुक है सीधा एलआईसी से है। मतलब एलआईसी से अगर ताल्लुक है तो समझ लीजिए 14 लाख अभिकर्ताओं से भी ताल्लुक है, यानी 14 लाख एलआईसी के एजेंट इससे प्रभावित होंगे। अब उनको फायदा होगा, नुकसान होगा, इस बारे में इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिनटेक स्वामी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि इस तरीके की कोई भी खबर आए तो वो आपसे छूती ना रह जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। खबर में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खबर एलआईसी से जुड़ी है। जैसे कि मैंने कहा, एलआईसी से जुड़ी जब खबर है तो 14 लाख अभिकर्ताओं से जुड़ी खबर है और 32 करोड़ पॉलिसी धारक से जुड़ी खबर है। अगर एलआईसी की बात करते दोस्तों, आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी कि एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस में अपना पैर पसारने जा रही है, यानी एलआईसी अपना हेल्थ इंश्योरेंस का वर्टिकल स्टार्ट करने जा रही है, एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस पर अपना कदम रखने जा रही है। और काफी लोगों ने इसको देखा, सराहा और काफी लोगों के बहुत सारे सवाल कमेंट के माध्यम से, और कुछ लोगों के फोन भी मेरे पास है जिसमें ये सवाल था कि एलआईसी की जो सर्विसिंग है वो इतनी दुरुस्त नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो बहुत ही सर्विस बेस है, यहाँ पे तो क्लेम इंडस्ट्री है, हाथों हाथ क्लेम आते हैं, तो उसको सर्विस जब तक अच्छी नहीं मिलेगी तो रेपुटेशन जो है कंपनी की वो खराब हो जाएगी और कहीं ना कहीं पर एडवाइजर उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसके कस्टमर की गुडविल खराब हो जाएगी उसके साथ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे एलआईसी के स्टाफ के लेकर के, एलआईसी के मैनेजमेंट को लेकर के, एलआईसी के वर्किंग कल्चर को लेकर के। मतलब ये सारे सवाल इसके अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है हेल्थ इंश्योरेंस से ही जुड़ी है और ये कहीं ना कहीं पर सीधा डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट डालती है। मतलब अपनी कमर कस लेनी है, क्योंकि एलआईसी इतना बड़ा खेल करने जा रही है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमें भी लग रहा था कुछ ऐसा बदलाव जरूर आएगा जिससे कि दिक्कतें जो हैं कम हो सकती हैं या दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, क्योंकि एलआईसी अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो सर्विस प्रोवाइडर का काम है वो एलआईसी उस तरीके से नहीं कर सकती जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां करती हैं। जैसे कि आप सभी लोग सहमत होंगे इस चीज से, क्योंकि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनियों का जो सर्विस नेटवर्क है, जो प्राइवेट कंपनियों की जो सर्विस है, वो गवर्नमेंट कंपनियों के मुकाबले बहुत अच्छी है। मतलब गवर्नमेंट कंपनी में तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर बड़ा क्लेम आ जाता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी और भी रूल्स उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी होती हैं, जो कि प्राइवेट में देखेंगे प्रीमियम ज्यादा होता है, लेकिन प्रीमियम ज्यादा होने के बावजूद उनकी सर्विसेज उतनी अच्छी होती है कि अगर हम बात करें आज के डेट में तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप देखेंगे प्राइवेट कंपनी ही नंबर वन पे चल रही है। उसके पीछे कारण भी यही है, क्योंकि उनका जो सर्विस नेटवर्क है, उनका जो सर्विस देने का तरीका है, उनके जो मोबाइल के ऐप है वो काफी दुरुस्त है और हर चीज ऑनलाइन बेस पे भी हो जाती है और कस्टमर को और एजेंट को ज्यादा मतलब पेन नहीं लेना पड़ता, क्लेम सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे एलआईसी ने दोस्तों ऐलान किया है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में तो आएंगे, लेकिन अब एक और ऐलान कर दिया उन्होंने जो सबको चौंका देने वाली खबर है और कहीं ना कहीं पे एजेंट भाइयों के लिए ये खुशखबरी है। एलआईसी ने अनाउंस किया कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस का वर्टिकल लेकर नहीं आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में आएंगे वो जरूर, लेकिन वो किसी न किसी को टेक ओवर करेंगे। और टेक ओवर करने की बात करें तो दोस्तों, एलआईसी जो टेक ओवर करेगी वो टॉप की कंपनी को टेक ओवर करने वाली है और एज पर जो आईआईडी रूल एलआईसी जो टेक ओवर करेगी, मतलब लाइफ की कंपनी अगर हेल्थ में जाती है तो उसको हेल्थ का लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कॉम्पोजिट लाइसेंस। और एलआईसी ने इस कॉम्पोजिट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। एज पर कॉम्पोजिट लाइसेंस एलआईसी जनरल इंश्योरेंस में नहीं जा सकती, क्योंकि वो लाइफ की कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस का कैटेगरी अलग होती है। तो यहाँ पे एलआईसी ने कॉम्पोजिट लाइसेंस का अप्लाई किया हुआ है, जो आईआईडी के अंदर अप्रूवल पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब अप्रूवल आ चुका है कह सकते हैं एक तरह से, और 2 से 3 महीने में आपको फाइनलाइज हो जाएगा कि एलआईसी किसके साथ टेक ओवर करेगी या किसको टेक ओवर करेगी। तो एलआईसी के पास टॉप की 5 कंपनी एलआईसी ने डिसाइड की है, जिसके अंदर उनका टेक ओवर की बात चल रही है, जिसमें आप ले सकते हैं स्टार हेल्थ हो गया, नीवा बुपा हो गया,
केयर इंश्योरेंस हो गया, आदित्य बिरला हो गया और सिग्ना मणिपाल हो गया। मतलब ये पांच कंपनियां हैं प्राइवेट की जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। यानी कि अगर देखें तो एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी हेल्थ भी है, एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस भी है, बजाज जनरल इंश्योरेंस भी है, कोटक जनरल इंश्योरेंस भी है। तो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी के साथ एलआईसी टेक ओवर नहीं करती एज पर रूल, तो एलआईसी को कोई स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ही टेक ओवर करना होगा। तो कहीं ना कहीं पे एलआईसी प्राइवेट की जो सबसे अच्छी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस में, जो स्टैंड अलोन कंपनी है उसको टेक ओवर करने की बात करेगी। ये आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल जाएगा कि एलआईसी किसको टेक ओवर करती है। अगर हम टेक ओवर के हिसाब से बात करें और कंपनी के डाटा के हिसाब से बात करें, तो अगर आप देखेंगे मार्केट शेयर की बात करें तो एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस में 61% का मार्केट शेयर है और एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की, इसमें कोई डाउट नहीं किसी भी तरीके का। और एलआईसी के साथ 32 से 33 करोड़ पॉलिसी धारक जुड़े हुए हैं और 14,10,000 एजेंट है 2024 का अगर आंकड़ों की बात करें। तो एलआईसी का जो टारगेट है वो रहेगा कि प्राइवेट की मैं सबसे जो टॉप की कंपनी स्टैंडर्ड उसको लेकर चलूं। तो प्राइवेट के टॉप कंपनी की बात करें तो स्टार हेल्थ जो है नंबर 1 पे। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो जो स्टैंड अलोन कंपनियां हैं पूरे मार्केट के अंदर, जो 5 से 7 कंपनी स्टैंड अलोन की, उसके अंदर 29% का मार्केट शेयर उनके पास पड़ा हुआ है। और उस 29% के मार्केट शेयर की बात करें तो उसमें 14% का मार्केट शेयर स्टार हेल्थ के पास है। और उसके बाद देखें तो हमारे पास केयर के पास है, उसके पास सेकंड नंबर पे कहें तो, थर्ड नंबर पे कहें तो नीवा भूपा के पास है, उसके बाद ये सिग्ना मणिपाल और आदित्य बिरला सब आते हैं। इनका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम टॉप के 3 भी देख लें तो स्टार हेल्थ है, केयर है और नीवा भूपा है। ये 3 कंपनियां हैं जिसपे एलआईसी की नजर रहेगी और एलआईसी इनमें से भी देखेगी कौन सा बेस्ट है। तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, सर्विस नेटवर्क के हिसाब से देखें तो स्टार हेल्थ नंबर 1 पे है किसी भी पोजीशन में, क्योंकि 14% का मार्केट शेयर उसके पास अवेलेबल है 29% का मार्केट शेयर में से। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और जो हमारे भी करता है अब जो एलआईसी के थ्रू काम कर रहे हैं और बाद में उन्होंने अलग से एजेंसी भी ले रखी है, तो वो भी मतलब कह लीजिए उनके पास एक और प्लस बेनिफिट हो जाएगा कि एलआईसी अगर अपना कॉम्पोजिट लाइसेंस के साथ अपने स्टार हेल्थ को या निवा भूपा को या केयर को किसी के साथ भी अपना टेक ओवर करती है तो उस कंपनी का भी मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। और ये जो 14 लाख अभी करता है उस कंपनी के साथ इमीडिएट काम करना शुरू कर देंगे। और तो इनके बास्केट में भी एक और नया पोर्टफोलियो आ जाएगा कि अब हम हेल्थ का काम भी कर सकते हैं। और जहां पे एलआईसी का टैग लग गया तो समझ लीजिए ब्रांडिंग तो होगी उसकी। एक तो प्राइवेट की टॉप की कंपनी उठाएंगे सबसे पहली बात जो स्टैंड अलोन कंपनी है, और दूसरा इसमें एलआईसी का टैग लग जाएगा। तो जब एलआईसी का टैग लग गया तो काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए धक्के खाते हैं कि किस कंपनी के साथ जाए, कैसे जाए, क्या सर्विस होगा नहीं होगा। जब हम प्राइवेट कंपनी को ही टेक ओवर कर लेंगे वो भी जो टॉप की है और साथ में एलआईसी का विश्वास, तो अब समझ लीजिए सोने पे सुहागा वाला काम होने वाला है। तो आपको अपनी कमर कस कर रखनी है, अपनी तैयारी पूरी करनी है, अपना डेटा को पूरा अपडेट रखना है कि जब ये डिसीजन आए और कंपनी का टाइप या टेक ओवर हो जाए तो आप मार्केट में दुरुस्त तरीके से निकलें। और अभी भी अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपसे बात करते हैं तो थोड़ा सा उनको होल्ड करने की कोशिश करें अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हेल्थ इंश्योरेंस का तब, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के अगर बिजनेस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस 14% से ग्रो कर रहा है हर साल। और इसी यही एक चिंता एलआईसी की थी कि हमारा मार्केट शेयर 61% का लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है और हेल्थ में हम बिल्कुल नहीं है, तो क्यों ना हम हेल्थ के मार्केट को भी कैप्चर करें। और कहीं ना कहीं पे ये जो रणनीति एलआईसी की, ये हमारे 14 लाख अभिकर्ताओं के लिए एक कह लीजिए जड़ी बूटी का काम करेगी, उनके अंदर एनर्जी और ऊर्जा भरने की काम करेगी, उनको एक नया एक डायरेक्शन मिल जाएगा काम करने के लिए क्लाइंटों के पास जाने की। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में सबकी डिमांड है, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, कोविड के बाद रोटी कपड़ा मकान के साथ हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग से ऐड हो गया। तो मतलब ये बेसिक चीज हो गई है और ये आदमी की नीड है, ये पुशअप नहीं है, उसकी जरूरत है, वो खुद बुला करके लेना चाहता है इसको। तो कहीं ना कहीं पे आपके बास्केट में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट ऐड होने वाला है और इस प्रोडक्ट से आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा बढ़ेगा, आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खुलेंगी और आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनेंगे। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो क्लेम की इंडस्ट्री है, क्लेम इमिडिएट आते हैं इसके अंदर और क्लेम सेटल होते हैं और क्लेम का पैसा मतलब हॉस्पिटल में मिलता है और जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो कहीं ना कहीं पे आपकी उसकी फैमिली के साथ भी एक बॉन्डिंग बनती है कि जी इनसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कराई थी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई और हमारा क्लेम बहुत बढ़िया से सेटल हो गया, हमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। तो वहां पे आप उससे अपनी एलआईसी के बारे में भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्विस के बेस पे आपकी जो गुडविल है काफी अच्छी बन जाती है। तो बाकी प्रोडक्ट भी अगर उसे रिकमेंड करेंगे तो उसको लेने में आपसे कोई हिचक नहीं होगी। मोटा मोटा अगर कहें तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन से ये निकल के आता है कि आने वाला दिन जो एलआईसी एजेंट के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं और एलआईसी एजेंट
माला माल भी हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को अगर कैश करता है तो। और LIC जैसा कि अभी हमारे पास जो सोर्सेस है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि 3 महीने लगेंगे इस चीज को होने में, और 3 महीने की अगर हम बात करें तो सितंबर के आसपास का टाइम दिख रहा है हमें तो। और LIC का गठन भी फर्स्ट सितंबर को इसकी एनिवर्सरी होती है, तो शायद हो सकता है LIC उस मौके को भी कैश करने की कोशिश करे। लेकिन अभी ये सब कुछ सोर्स के थ्रू है और डॉक्यूमेंटेशन तो सबमिट हो गया, इसकी पूरी कंफर्मेशन है कि कॉम्पोजिट लाइसेंस के LIC ने IED में सबमिट कर दिया और IED की तरफ से उसका अप्रूवल भी इसके पास आ चुका है। लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस की वजह से पेंडिंग है जिसको फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। तो जैसे ही फाइनल अप्रूवल मिलेगा तो LIC फिर अपनी टेक ओवर की तैयारी शुरू करेगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट थी, तो मुझे लगा कि आपको जल्द से जल्द इसको अपडेट करना चाहिए ताकि आप अपनी दिशा और दशा दोनों को तय कर सके कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने सारे भाइयों में जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को देखने आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।